हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर वी एस के रेड्डी एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 30 गॉज लॉ। इस चैप्टर की शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस चैप्टर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉज लॉ को डिस्कस करेंगे। गॉज लॉ लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, उसका यूज़ क्या है। उसका यूज जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स है। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अ चार्ज कंडक्टर, सेकंड ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमें गॉस लॉ यूज करके डिस्कस करना है। ओके, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम तीसरा एप्लीकेशन भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्पेरिकल सेल। अगर कोई स्पेरिकल सेल दिया है, स्पेरिकल सेल यानी हॉलो स्पीयर। ओके, अगर स्पेरिकल सेल दिया है उसके ऊपर अगर कुछ चार्जेस है तो उन चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो भी हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स वन बाय वन हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज अ चार्ज कंडक्टर, सेकेंड वन इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर, एंड थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्पेरिकल सेल। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले, आने वाले कुछ दिनों में एच सी वर्मा सर की जो किताब है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, मेरा ये मानना है अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर है तो ही आप नीट या JEE की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो, उसके रिलेटेड जो भी MCQs है उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर। अब यहाँ पे जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, इट मे बी द कंडक्टर ऑफ हीट, इट मे बी द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द वन कंडक्टर। अब जब हम कंडक्टर कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस सिस्टम को हम तीन अलग अलग सिचुएशन में कंसिडर करते हैं। ओके, तीन अलग अलग सिचुएशन। द फर्स्ट सिचुएशन, ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये सिर्फ चार्ज कंडक्टर है, इसके इस चार्ज कंडक्टर के ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ओके, तो इस चार्ज कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? कोई भी सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। उस एटम में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम को बॉन्डेड नहीं होते हैं, वो क्रिस्टल में कहीं पे भी घूम सकते हैं। अगर हम किसी भी एक एटम को कंसिडर करते हैं, ओके, उस एटम में से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर डिटैच हो जाता है और वो क्रिस्टल में घूमता है तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा। मीन्स अगर मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, जो एटम उस क्रिस्टल में का जो फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? क्रिस्टल को। तो उस एटम के ऊपर आयन क्रिएट होगा, पॉजिटिव आयन, और एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो भी है वो क्रिस्टल में घूमते रहेगा। अब इस डिस्कशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतने पॉजिटिव आयन्स होंगे, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं सब्सटेंस के अंदर कोई भी पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो उस सब्सटेंस की वजह से ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। यानी उस क्रिस्टल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी है और पॉजिटिव चार्जेस भी है। ओके, अब ये था फर्स्ट सिचुएशन। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होता है। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब मान के चलिए कि इस सब्सटेंस के ऊपर मैं कुछ नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ नेगेटिव चार्ज एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये चार्ज इंट्रोड्यूस करने से पहले ये जो भी क्रिस्टल था या कोई भी कंडक्टर था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जितने नेगेटिव चार्जेस थे उतना पॉजिटिव चार्जेस थे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही मैं किसी नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा तो ये क्रिस्टल में एग्जैक्टली क्या होता है? दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। वो सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ओके, जो भी चार्ज हमने इंट्रोड्यूस किया वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर सरफेस यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर सरफेस थोड़ा डिफरेंट शेप में तो वहाँ पे कुछ जगह डेंसिटी ज़्यादा होगा, कुछ जगह चार्जेस की डेंसिटी कम होगा। ये किसके वजह से होता है ये आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब भी हम किसी चार्ज को, एक्सटर्नल चार्ज को कंडक्टर के ऊपर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलॉन्ग द सर्फेस, वो पूरा चार्ज उस कंडक्टर के सर्फेस पर आ जाएगा। अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो भी प्रोड्यूस किया हमने, इंट्रोड्यूस किया है, वो इनसाइड द क्रिस्टल वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सिर्फ सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, किसी भी पॉइंट में अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो ही होगा इनसाइड द क्रिस्टल या इनसाइड द कंडक्टर। ऐसा क्यों? अब देखिए, हमने कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस किया है, नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा वो अगर हमें डिस्कस करना है, तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस है तो डेफिनेटली इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहेगा, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इस साइड नेगेटिव चार्जेस है तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन एट द सेम टाइम कंडक्टर के इस साइड में अगर देखते हैं तो इस साइड में भी बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ये पूरे चार्जेस क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इस डायरेक्शन में। तो एक चीज याद रखिएगा, इस साइड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और इस अपोजिट साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों का मैग्नेट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इट बिकम अ जीरो। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो ये सेकंड सिचुएशन था। सेकंड सिचुएशन में हमने ये देखा, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब हम चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सटर्नल चार्ज को, वो चार्ज पूरा सरफेस पे रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। और इस रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसके कारण कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो ही रहेगा। तो ये सेकंड सिचुएशन था। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड सिचुएशन। अब मान के चलिए कि जो जिस कंडीशन में भी कंडक्टर है विद एक्सटर्नल चार्जेस, ऐसे कंडक्टर को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का है, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इस कंडक्टर को रख दिया, इस कंडक्टर को मैंने रख दिया। अब जैसे हम इस कंडक्टर को रखेंगे तो जो भी चार्जेस थे वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि जो भी निगेटिव चार्जेस हैं तो निगेटिव चार्जेस पूरे एक साइड आ जाएंगे, और निगेटिव चार्जेस एक साइड आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इस साइड में कौन से चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव। तो अब इनके वजह से क्या हो रहा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्जेस का, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्रिस्टल को या इस कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन है इट इज लाइक दिस वन, तो जो भी निगेटिव चार्जेस है वो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, और जो भी पॉजिटिव आयंस है, ओके, सो अगर निगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या बचेगा, पॉजिटिव आयंस बचेंगे। तो इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, इस साइड में निगेटिव चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे मीन्स वॉट, वहाँ पे सिर्फ आयंस लेफ्ट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पूरे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि इन की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिस्टल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन ये होगा, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और एक्सटर्नल जो भी फील्ड था उसका डायरेक्शन कैसा था, उसका डायरेक्शन ऐसा था, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, और रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड रहेगा। तो ये दोनों फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पर लेते हैं तो भी वो जीरो ही आएगा। तो तीनों सिचुएशन में हमने एक यहाँ पे देखा है कि कंडक्टर के अंदर, ओके, इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो भी कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होता है।
चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे उसके ऊपर आपने चार्ज इंट्रोड्यूस किया उस कंडक्टर के ऊपर, तो वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट बिकम अ जीरो। या थर्ड सिचुएशन, अगर हम उस क्रिस्टल को या उस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इट बिकम अ जीरो। तो किसकी वजह से होता है वो हमने कंसेप्चुअली यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिला है, किसी भी सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर, ओके, जो भी हम कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो भी होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे कितना होता है, जीरो होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ओके, अब ऐसे सिचुएशन में अगर मैं एक इमेजिनरी सरफेस, क्लोज सरफेस कंसीडर करता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। ओके, कंडक्टर के अंदर कोई भी हम एक सरफेस 3D में सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर, ओके, किसी भी पॉइंट पे, सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है बेटा, इट इज बिकम अ जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जीरो। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो फ्लक्स कितना पास होगा, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओवर द क्लोज सरफेस इंटू ई डॉट डी एस। अब ई की वैल्यू जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगा, E की वैल्यू जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगा। अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है तो जो भी गॉस लॉ है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इस हिसाब से अगर फाई की वैल्यू जीरो है तो क्यू इनक्लोज इट बिकम अ जीरो। मीन्स इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस देर इज नो फ्री चार्जेस, देर इज नो चार्जेस। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे अरेज हो रहा है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं पे भी जीरो होगा इनसाइड वन, और इनसाइड वन नेट चार्ज जो भी है इनक्लोज टू दैट गॉसियन सरफेस इट इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो। तो एक चीज हमें यहाँ पे सीखने को मिला है कि कोई भी अगर क्रिस्टल कंसिडर करता हूँ, कोई भी कंडक्टर कंसिडर करता हूँ, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। ओके, अगर कोई भी गॉसियन सरफेस में इमेजिन कर रहा हूँ तो नेट चार्ज जो भी होगा इट इज़ इक्वल टू जीरो। यानी हो सकता है ऐसा कि जितना पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो ये था डिस्कशन। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसे भी हो सकते हैं, हमने जो भी कंडक्टर यहाँ पे कंसिडर किया था वो विदाउट कैविटी था। अब एक कंडक्टर हम ऐसा इमेजिन करेंगे, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन कंडक्टर और इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है। ओके, छोटी सी कैविटी है मींस यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, उसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है, गैप जिसको हम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर कैविटी भी है, अगर आप कोई चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ये चार्ज पूरा आउटर सर्फेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। यानी ये भी सरफेस है इनर सरफेस और दिस इज द आउटर सरफेस, तो इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जो भी चार्ज आपने इंट्रोड्यूस किया है उस कंडक्टर के ऊपर वो पूरा का पूरा आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई गॉसियन सरफेस मैं इमेजिन करता हूँ, कोई भी गॉसियन सरफेस अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो रहा है तो क्यू इनक्लोज यानी टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस इट इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो। एक सिचुएशन है, ओके, अगर कैविटी है और उस कैविटी के अंदर अगर आप कोई चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इस कैविटी के अंदर है एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने रख दिया। अब क्या होगा, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये जो भी चार्ज एक्सटर्नल हमने इंट्रोड्यूस किया था, इसमें से कुछ चार्ज इस इनर सरफेस पे प्रोड्यूस होगा।
अब इनर सरफेस पे कितना चार्ज वहाँ पे इंड्यूस हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, तो आंसर इज दैट नेट चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज आपने कैविटी के अंदर रखा है उतना ही चार्ज इनर सरफेस पे यहाँ पे अपोजिट पोलरिटी का क्रिएट होगा। तो नेट चार्ज कितना होगा, अगेन नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, तो टोटल जो भी चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये सभी सिचुएशन में हमें एक चीज याद रखना है, इनसाइड द कंडक्टर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, एंड ई की वैल्यू कितना होगा, तो ई की वैल्यू होगा जीरो। ओके, ये था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर। अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर कैसे होता है याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो भी है दिस इज नॉट अ कंडक्टर, जो भी स्पीयर हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं वो कंडक्टर नहीं है। ओके, अगर कंडक्टर नहीं है तो जो भी अब तक हमने डिस्कस किया था, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो ही सरफेस पे चार्जेस रहेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, कोई डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस या अलग टाइप का सब्सटेंस है, हो सकता है कि अंदर भी चार्जेस रह सकते हैं। तो ऐसा ही एक सब्सटेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस सब्सटेंस जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी यहाँ पे जो भी चार्ज हम इंट्रोड्यूस करेंगे ओके, सो पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया है इसके ऊपर, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सरफेस पे भी रहेगा और साथ ही साथ पूरे कंडक्टर में भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लाइक दिस वन। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, लाइक दिस वन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अब चार्ज हो चुका है, यानी चार्ज के सरफेस कंडक्टर के सरफेस पे भी चार्ज है और अंदर भी है। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्पीयर कंसिडर कर रहा हूँ, उस स्पीयर का रेडियस अगर कैपिटल आर है, आर इज अ रेडियस ऑफ दिस स्पीयर, और जो भी चार्ज यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है, मान के चलिए दैट टोटल चार्ज इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे, दिस क्वांटिटी इज द डेंसिटी ऑफ दैट स्पीयर, चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट स्पीयर विच इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ रहा है 4/3 πr³। ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्पीयर। तो इस केस में अब हमें करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलिए कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, मान के चलिए कि वो स्मॉल r इतने डिस्टेंस पे है। सो दिस इज द पॉइंट P। इस पॉइंट P पे मुझे इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट। अगर सिंगल चार्ज होता तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, कौन से फॉर्मूले से कर सकते थे, अगर सिंगल चार्ज यहाँ पे रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होगा इट इज इक्वल टू 1/4πε₀Q/r² तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन जो भी चार्ज है वो चार्ज एक पॉइंट पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है, वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इन पूरे चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये निकालने के लिए हम यूज करेंगे गॉस लॉ का। ओके, और ये एप्लीकेशन है क्या है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक सरफेस इमेजिन करेंगे लाइक दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस, ये जो भी सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। अब एक सरफेस हम इमेजिन कर रहे हैं, ओके, वो सरफेस कैसा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, हॉलो स्पीयर के फॉर्म में वो है, ऐसा इमेजिन कीजिए। सो गॉसियन सरफेस हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि जो उस पॉइंट में से पास हो रहा है, ओके, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है,
और सेकंड कंडीशन है कि उस गॉशियन सरफेस का जो भी सेंटर होगा वो इस स्पीयर के सेंटर से कोइंसाइड होना चाहिए। तो दिस गॉशियन सरफेस और ये स्पीयर, ये कॉन्सेंट्रिक है, तो इन दोनों के सेंटर्स जो भी है वो मैच हो गए यहाँ पे। ओके, हम एक गॉशियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं। ओके, अब मैं इस गॉशियन सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कंसिडर करूँगा, लाइक दिस वन। सो एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ जिसका एरिया है डी एस। एरिया कितना है? डी एस। ओके, अराउंड द पॉइंट पी मैं एक छोटा सा सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ उस गॉशियन सरफेस का, छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहा हूँ उस गॉशियन सरफेस का, और जिसके वैल्यू है डी एस। ओके, अब इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब मान के चलिए कि इस पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन पूरे चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से आना चाहिए। ऐसा क्यों? अब देखिए, ये जो भी चार्जेस है ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे इस डायरेक्शन में, ये जो भी ऊपर वाले चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इस डायरेक्शन पे। ओके, उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट जो भी आएगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा और दूसरा परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन आएगा। उसी तरह अगर इस साइड में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन ये रहेगा। ओके, अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर दिस डायरेक्शन आएगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो भी है वो कैंसिल आउट होंगे और फाइनल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी होगा इट इज़ लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं ई। कितना प्रोड्यूस हो रहा है? ई इतना प्रोड्यूस हो रहा है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कैंसल आउट होके जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ओके, अब जो भी एरिया हमने कंसिडर किया था स्मॉल एलिमेंट, उसका एरिया कितना है? डी एस है। ओके, अब उस स्मॉल पोर्शन में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स। अब यहां पे लकीली डी एस का डायरेक्शन जब हम उस सरफेस को नॉर्मल ड्रा करेंगे तो डी एस का डायरेक्शन कैसा आएगा? सो इट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी एस और उसी डायरेक्शन में ई भी है। दोनों का अगर एंगल देखते हैं तो दोनों में का एंगल कितना आएगा? तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगा 0 degree। तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स आ रहा है द फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी एस, इतना फ्लक्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उस स्मॉल एलिमेंट में से। अगर मुझे पूरे गॉशियन सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा? टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओवर द गॉशियन सरफेस ई डॉट डी एस, ये सिचुएशन अराइज होगा। ओके, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ तो ये पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे आएगा? आर इतने डिस्टेंस पे आएगा सेंटर से। अब यहाँ पे आर इतने डिस्टेंस पे अगर ये सरफेस आ रहा है, ओके, छोटा पोर्शन कंसिडर करूँगा तो छोटा पोर्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कैसा रहेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऐसे रहेगा। सो हर सिचुएशन में अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड है वो किसी भी पोर्शन पे सेम रहेगा। और जो भी डीएस है, डीएस यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में का एंगल 0 degree आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ई को कॉमन निकाल लेता हूँ। सो फ्लक्स टोटल इट इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अगर कंसिडर करते हैं तो पूरे गॉशियन सरफेस का टोटल एरिया और टोटल एरिया कितना होगा बेटा? सो इट इज इक्वल्स टू ई, और ये जो भी एरिया आएगा, एरिया ऑफ दैट स्पीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ स्मॉल आर विच इज इक्वल्स टू 4πr². सो इतना फ्लक्स टोटल उस गॉशियन सरफेस से बाहर निकल रहा है। ओके, इतना फ्लक्स वहां से बाहर निकल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी नो दैट टोटल फ्लक्स जो भी होता है, दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू q
इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो आंसर इज दैट दिस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। सो देयरफॉर यहाँ पे इन दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो यहाँ पे उसके इक्वल करने से पहले Q इनक्लोज कितना है, कैपिटल Q है इनटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ तो E इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इसके बेसिस पे हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे तो E की वैल्यू क्या निकल के आएगा, सो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो भी आंसर हमें मिला है ये इक्विवेलेंट है, अगर जो भी चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक जगह पे नहीं है, पूरे स्पीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इतना चार्ज। फिर भी पॉइंट पी पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर पूरे स्पीयर में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है फिर भी हम ये ऐसा रिजल्ट दे रहा है कि इस सेंटर पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है, तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। अब इस स्पीयर से जितना दूर हम जाएंगे तो आर की वैल्यू सिर्फ बढ़ेगा, सिर्फ आर की वैल्यू बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतना कम होते जाएगा। ओके, तो क्यू जो भी है वो सेम रहेगा, हम जितना दूर लेंगे उतना गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सब कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ आर चेंज होगा इस फॉर्मूले में। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर एट अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। ये एक फॉर्मूला होगा। ओके, अगर इन केस अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे इमेजिन करता, कहाँ पे, उस स्पीयर के सरफेस पे, तो यहाँ पे हमें मिलता कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यू सेम हो जाता। तो सरफेस पे अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द आंसर इज दैट E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, सरफेस पे। ओके, सरफेस पे प्रोड्यूस होगा, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, आउटसाइड। तो ये थे दो पॉइंट्स। ओके, अब हमें जो भी पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इनसाइड द सॉलिड स्पीयर कंसिडर करते हैं, तो तब सिचुएशन कैसा होगा देखते हैं। सो लेट अस कंसिडर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर, वही कंसेप्ट है, वही स्पीयर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, जिसके ऊपर हमने कितना चार्ज इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल क्यू, इतना चार्ज इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना बनेगा, सो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट स्पीयर, सो वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज अ चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट स्पीयर। ओके, अब इस केस में जब हम चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो जो भी चार्ज है इस तरीके का होगा, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पीयर लाइक दिस वन। ओके, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे हो चुका है। ओके, अब हमें जो पॉइंट कंसिडर करना है वो है इनसाइड। ओके, इनसाइड एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, दिस इज सेंटर, सेंटर से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, हम आर डैश कंसिडर करेंगे। हमने आउटसाइड के लिए कितना कंसिडर किया था, आर कंसिडर किया था, अब वो पॉइंट हमें इनसाइड कंसिडर करना है, इसलिए मैं ये जो भी पॉइंट है वो यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो उस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे, सो दिस इज दैट पॉइंट। सो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इट इज़ इक्वल टू आर डैश, और ये वो पॉइंट है विच इज़ इक्वल टू पी। तो इस पॉइंट पे अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज द गॉसियन सरफेस,
गॉसियन सरफेस जब इमेजिन करते हैं तो दो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसमें से वो पास होना चाहिए, सेकंड उस गॉसियन स्पीयर का या गॉसियन सरफेस का वो एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड होना चाहिए, यानी दोनों के सेंटर्स मैच होना चाहिए। ये हम इस तरीके से गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। अब जो भी गॉसियन सरफेस में इमेजिन किया, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन दिस डायरेक्शन। देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, इन सभी चार्जेस की वजह से, इवन दो गॉसियन सरफेस के बाहर जो भी चार्जेस है, इन सभी की वजह से जो भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर करना है आपको कि जो भी चार्जेस इस गॉसियन सरफेस के अंदर है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होगा पॉइंट पी पे, उसका डायरेक्शन ये होगा, व्हाट्स अबाउट आउटसाइड चार्जेस। तो इस पॉइंट पे इस चार्जेस की वजह से जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना ही फील्ड रिमेनिंग चार्जेस की वजह से होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आउटसाइड सरफेस इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, ई। अब यहां पे एक छोटा सा पोर्शन हम कंसिडर करेंगे इस गॉसियन सरफेस का, जिसका वैल्यू होगा डी एस, और डी एस का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे होगा। ओके डी एस और ई इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, विच इज इक्वल्स टू जीरो। थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू है 0 degree। ठीक है ओके अब यहां पे पूरे गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो फ्लक्स जो भी पास होगा पूरे गॉसियन सरफेस में से, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब E का मैग्नीट्यूड गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी आप कंसिडर कर रहे हो तो वो सेम होगा, और डायरेक्शन जो भी होगा वो डायरेक्शन इट इज अलोंग द नॉर्मल टू दैट सरफेस एट दैट पॉइंट। तो E और DS इन दोनों में एंगल कितना आर बन रहा है, यहाँ पे 0 degree बन रहा है। अब इन सभी को याद रखते हुए, पहला पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएस का डायरेक्शन ये दोनों कैसे है, सेम है, तो एंगल कितना बन रहा है, 0। सो देयरफॉर हम ई को बाहर निकाल सकते हैं, अगर ई को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस इंटू डीएस आएगा। सो दिस ई इज इक्वल्स टू पूरा गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, इट्स अ 4πr² So this is the total flux passing through that one. अभी flux तो मिल चुका है, अब कितना charge enclose कर चुका है वो Gaussian surface, वो हमें find out करना है. Okay, तो total charge या inside the Gaussian surface कितना charge है, तो हम Q enclose consider करते हैं. Q enclose is equals to क्या आएगा, so volume of that Gaussian surface multiplied by density, surface charge, charge density, volume charge density. So volume कितना बन रहा है उस Gaussian surface का, तो 4πr³ ये होगा वॉल्यूम उस Gaussian surface का, multiplied by density कितना है ये निकाल चुके थे हम, capital Q upon 4π³। ओके तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, 4 by 3 pi कैंसिल आउट होगा, सो व्हाट इज द रिमेनिंग, सो रिमेनिंग इज दैट Q इनक्लोज इज इक्वल्स टू कैपिटल Q r³ अपॉन कैपिटल r³। सो इतना चार्ज उस गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया है। ओके अब इतना चार्ज अगर उसने इनक्लोज किया है तो कितना फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस में से पास हो सकता है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज की वैल्यू है क्यू कैपिटल क्यू r³ अपॉन r³ इनटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पास हो चुका है। ओके उस गॉसियन सरफेस से पास होगा, अब ये दोनों फ्लक्स है उसकी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला, तो इनको इक्वल करते हैं, सो देयरफॉर ई 4
pi r dash square is equals to कितना आएगा q r dash cube upon capital R cube epsilon naught. ओके तो यहाँ पे आर डैश स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो एक आर डैश बचेगा सिर्फ यहाँ पे. सो देयरफॉर फाइनल फॉर्मूला जो मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे, सो ई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught इंटू कैपिटल क्यू आर डैश अपॉन कैपिटल आर क्यूब. सो दिस इज अ value of electric field, this is the value of electric field at the point P which is inside the conductor, yeah, inside the, sorry, not conductor, inside the sphere. तो इतना electric field वहाँ पर produce हो रहा है. Okay, so यहाँ पर इस equation के basis पर हमें यह देखने को मिल रहा है. Point आप exactly कहाँ पर consider करेंगे उसके basis पर, ये r dash यहाँ पर आ रहा है. Okay, so E is proportional to r dash. अगर मैं इस पॉइंट को कम पास में लाता हूँ सेंटर के, तो आर डैश की वैल्यू कम होगा. अगर आर डैश की वैल्यू कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगा. अगर हम उस पॉइंट को अगर एग्जैक्टली सेंटर पे ला रहे हैं, तो सेंटर पे आर डैश की वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट को हम सेंटर से गिन रहे थे. अगर वही पॉइंट हमने सेंटर पे ले लिया तो आर डैश की वैल्यू जीरो. अगर आर डैश की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा जीरो सेंटर पे. ओके, और जैसे जैसे हम पॉइंट्स आगे आगे कंसिडर करते जाएंगे इनसाइड द स्पीयर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगा. अगर किसी स्टूडेंट ने इस पॉइंट पी को सरफेस पे कंसिडर किया, तो जब सरफेस पे वो कंसिडर करेंगे तो आर डैश की वैल्यू कितना होना चाहिए, कैपिटल आर होना चाहिए. अगर वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कैपिटल आर, तो एक आर यहाँ पे कैंसिल होगा, तो सरफेस पे ई की वैल्यू कितना आएगा, 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है वही फॉर्मूला यहाँ पर रिपीट हुआ है. तो दिस इज अबाउट द डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो भी हुआ है. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, ओके, ड्यू टू द चार्ज स्पीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर है. अगर मैं पॉइंट कोई भी आउटसाइड कंसिडर करता हूँ जो कि सेंटर से आर इतने डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, ये आउटसाइड है. ओके, अगर हम सरफेस पे कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पे, तो आर कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर सेम हो जाएगा. उस तरीके से ये फॉर्मूला कितना होगा, 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये ऑन द सरफेस. और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयर कितना आता है, सो 1/4 pi epsilon naught इंटू कैपिटल क्यू आर डैश अपॉन आर क्यूब, ये इनसाइड आएगा. ओके, ये इनसाइड आएगा. तो ये फॉर्मूले हमें यूज़ करके अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसा होगा देखिए, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर अलोंग एक्स एक्सिस हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं, और ये डिस्टेंस है आर, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आ रहा है, जीरो. जब आर की वैल्यू यानी जब डिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगा यानी सेंटर पे होगा, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो. लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है अप टू आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो डिपेंड रहेगा आर डैश के ऊपर. तो आर डैश की वैल्यू बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा. तो ये लीनियरली यहाँ पे बढ़ेगा लाइक दिस वन अप टू दिस पॉइंट. ओके, उसके बाद आउटसाइड क्या होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगा. और जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं
कोई भी पॉइंट आउटसाइड कंसिडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो भी है वो धीरे धीरे कम होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो दिस ग्राफ इज लाइक दिस वन, इस टाइप के ग्राफ जनरली पूछे जाते हैं। सो ये इनसाइड द स्पीयर है और ये आउटसाइड है, और ये पॉइंट जो भी है ये ऑन द स्पीयर है। ओके, ये इनसाइड द स्पीयर, ये आउटसाइड द स्पीयर, ये ऑन द स्पीयर। इनसाइड ये लीनियरली बढ़ेगा और ये इस तरीके से कम होगा। सो ये था डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर। अब आपको क्या करना है, तो आपको अब एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, दिस इज द स्पेरिकल सेल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल। अब फॉर्मूला कैसे होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक स्पेरिकल सेल कंसिडर कर रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेरिकल सेल, इट्स अ हॉलो स्पीयर। ओके, हॉलो स्पीयर है। अब उस हॉलो स्पीयर का या स्पेरिकल सेल का रेडियस है आर, अगर इसके ऊपर हम चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं क्यू, जैसे हम चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये पूरा चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अगर पूरा चार्ज सरफेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम तीन पॉइंट कंसिडर करेंगे, द फर्स्ट पॉइंट इज आउटसाइड, सेकंड पॉइंट इज ऑन द स्पेरिकल सेल, थर्ड पॉइंट इज इनसाइड। तो इनसाइड कितना आना चाहिए, अगर इनसाइड कोई भी गॉसियन सरफेस हम इमेजिन करते हैं, कोई भी गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं लाइक दिस वन, तो इनसाइड कितना आएगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आएगा, जीरो होगा। ओके, ऑन द सरफेस अगर कंसिडर करते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आना चाहिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ये इनसाइड ऑन द सरफेस आएगा, ऑन सरफेस। ओके, अब आउटसाइड सरफेस कितना आना चाहिए, सो आउटसाइड सरफेस की वैल्यू सेम आएगा अगर आप गॉसियन सरफेस का यूज करके निकालते हो, सो क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, स्मॉल आर स्क्वेयर, वेयर स्मॉल आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, सो ये आउटसाइड है और इनसाइड कितना आना चाहिए, इनसाइड आना चाहिए ई की वैल्यू है जीरो। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज द आर, ये डिस्टेंस है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। सो अप टू दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, जीरो ही है, और इस पॉइंट पे सरफेस पे कितना आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना ई इज इक्वल 1/4πr² 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। लेकिन आउटसाइड कितना होगा बेटा, ये इनसाइड इतना आया और यहाँ पे बढ़ गया पूरा, और यहाँ से फिर सेम वैसे रिपीट होगा जैसे उस केस में हुआ था। सो इस ये जो भी दिया है ग्राफ, दिस इज फॉर द स्पेरिकल सेल। तो यहाँ पे हमने तीन एप्लीकेशंस देखे हैं, द फर्स्ट वन इज ड्यू टू द कंडक्टर, सेकंड वन इज ड्यू टू द स्पेरिकल इट इज द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर, थर्ड वन इट इज़ अ ड्यू टू द स्पेरिकल सेल। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हमेशा याद रखना है आपको, आउटसाइड जो भी है वो इसके अकॉर्डिंग वैरी होगा, और ऑन द सरफेस ये इतना होगा। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एप्लीकेशंस हम देखेंगे, और दो लेक्चर्स लगेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को डिस्कस करने के लिए। जितने भी कंसेप्ट्स एच सी वर्मा सर की किताब में है सभी हम वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एच सी वर्मा सर की किताब इज़ द बेस्ट वन। कंसेप्ट अगर आपको पता चलता है तो ये आप एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सकते हो। ओके, तो मेरा ये एम है कि आने वाले एक साल के अंदर पूरे दो वॉल्यूम के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम वन, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम टू, दोनों वॉल्यूम में जितने भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।